नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? नरेश है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? कृष्ण बिहार से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 में 12 जनवरी को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, आशुतोष जी के शरण में जा रहे थे और पहले उसका राजेंद्र सिंह महाराज है वहाँ जा रहे थे। और ये दही पितरों की सबसे बड़ी थी घर में, 5 हैं अमदुराइन जी ठहणी सास और दही पितरों की कर रहे थे। आज मांस कर रही, आज कनागत कर ले, आज व्रत कर ले, यही करती थी जी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? हमारे पड़ोस में एक माई है सुनीता माई, उन्होंने हमारे पति को बोला कि आप वहाँ से हट के यहाँ सत्संग ले लो, आपकी सब दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं बीमार ज़्यादा रहती थी, सिर में दर्द बहुत तेज़ रहता था मेरे, घर के बहुत परेशान हो गए थे। मेरा पति जो कमाता था मेरे ऊपर ही लगा देता, 5 बच्चे थे, कैसे घर का गुजारा चले। तो कुछ दिन के बाद मेरे पति ने मान लिया उस माई की बात, वो चले गए, वो नाम लेकर आ गए। तो कुछ दिन के बाद वो माई बोली कि डोली की मम्मी तू चल नाम ले ले, तू अपने घर में तेरा पति हलवा बनावे, तू रेता घेर दे उसमें, तू सही नहीं कर रही, तू तमनू ही दुख हो। तो भगत जी मैं बढ़ तो इशार रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा इतनी बड़ी तकलीफ थी, सब डॉक्टरों ने फैल कर दिया था कि तू नहीं बचने वाली, 5 दिन रह रहे तेरे मरने के और 2 पॉइंट तेरे में खून रह रहा, कैसे तेरे बच्चे रहेंगे। बस बच्चों की फिक्र रहती, छोटे बच्चे थे कैसे पढ़ेंगे। फिर उस माई ने मेरे को संत रामपाल जी महाराज का इतना ज्ञान सुनाया, इतना ज्ञान सुनाया कि अनपढ़ तो मैं हूँ पर उसका ज्ञान मैं समझ गई कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, वो ही काट सकते हैं मेरा रोग और कोई नहीं काटते। संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने नाम ले लिया जी। बहन जी जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पहला लाभ तो परमात्मा ने मुझे भक्ति दी, जो मैं भक्ति कर नहीं पा रही थी, दुनिया की भक्ति कर रही थी जो मेरे किसी काम की नहीं थी। दूसरा लाभ ये दिया कि मेरे को मेरे परमात्मा ने जीवन दान दिया। तो भैया मेरे को ना परेशानी थी, बच्चा धानी में रसोड़ी थी, तो डॉक्टर ने नुका देता ये फटने वाली हो रही है, इसका टाइम हो लिया फटन का, अरे अब कोई भी मतलब तुझे बचा नहीं सकता, बिना परेशान के भी नहीं बचा सकता और परेशान तक भी नहीं बचा सकता। डॉक्टर कह रहे थे रजनी हॉस्पिटल है अपने यहाँ कृष्ण बिहार में ही, उसने कह देता 2 पॉइंट खून रह रहा, तू कैसे आ गई यहाँ से चल के। तो मेरे सिर पर तो संत रामपाल जी महाराज का हाथ था ना, तो इसलिए बच रही थी मैं। फिर मैं बोली, मैं बेटा बोला कि मम्मी कोई बात नहीं है, आप परेशान करवा लो, 5 दिन तो अभी बहुत दिन है, अभी तो 5 दिन रह रहे। घर तो पैसे लिया हूँ मैं पापा था, पापा ने पैसे काट के दे दिया उसके, वो चला गया, मैं पीछे पीछे उल्टी आ गई, पैसे नहीं देने मेरे को। तो संत रामपाल जी महाराज से पहले बात करनी है जी, परेशान करवाऊँगी। वो मेरे पीछे आया, मम्मी क्यों आ गई वहाँ से, परेशान करवाना था, अब मैं 2 पॉइंट खून है, आपको कोई बचाने का नहीं, बचाओगा मेरे संत रामपाल जी महाराज बचाओगे, मेरे को बरवाड़ा ले कर चल। लड़का मुझे जी भी बरवाड़ा ले गया, संत रामपाल जी महाराज की लाइन में लगी हुई थी दर्शनों की, तो मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, मैं रोती रोती जा रही थी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज मेरे पास आए कि बेटी क्यों रोवे, मैं कहा गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, परमात्मा आप ही बचा सकते हो मुझे, डॉक्टरों ने तो सबने जवाब दे दिया और सिर्फ 5 दिन रह रहे, 2 पॉइंट खून रह रहा, मैं तो बचू नहीं। मेरे संत रामपाल जी महाराज ने आपके पास तई कह लगे जल की बोतल देकर ले येरा खून और कम रहेगा मैं दूंगा बेटा तेरे को खून, तू चिंता ना करे, तू ठीक हो जाएगी, भक्ति कर, परमात्मा तेरी रक्षा करेंगे। फिर भी मेरे को भैया मुझे सब्र सा नहीं आया, वो जैसे ही जा लिए गुरु जी फिर आए उल्टे, फिर भी मैं वहीं खड़ी पाई, मैं किसी भगत नहीं थे, हटी नहीं। मैं कहा नहीं मेरे को तो हट के फिर बात करनी है संत रामपाल जी महाराज थे। मैंने फिर ऐसे ही कहा कि बेटा तू तो यहीं खड़ी है अभी। मैं कहा गुरु जी मेरे को ना 2 पॉइंट खून रह रहा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मैं कैसे बचूंगी, कि तुझे बताया तो है खून में दूंगा, तुझे 2 पॉइंट रहेगा और दूंगा मैं तेरे को, भक्ति कर। फिर दोबारा जैसे ही सिर पर हाथ रखा भैया, मेरे शरीर में झरन 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 झरना ऐसा हुआ, अब मेरा इतना बड़ा पेट हो रहा था बिल्कुल मेरा मिल गया। मैं कहा कहाँ गई है रसोड़ी, कैसे मेरा पेट कम हो गया। मैं आ गई पंडाल मान का बैठ गई, भगत ये आए मेरे आदमी मेरे पास में कि क्या कहा संत रामपाल जी महाराज ने। मैं कह लगी मैं खड़ी होकर दिखा, मगर देखो काट दिया मेरा तो रोग, मेरा नीबजा रोग रहा परमात्मा ने काट दिया।
कब कब तक रहेगी यहाँ? मैं 2 दिन और रहूँगी, 2 दिन और दर्शन करूँगी संत रामपाल जी महाराज, तो और भी पूछूँगी, मेरे सिर में भी बहुत दर्द रहता है, कैसे कटेगा भैया? मैं 2 दिन और रही, 2 दिन में मैंने फिर वही बात करी, मैं कहा संत रामपाल जी महाराज आपने यह बीमारी तो काट दी, एक मेरे सिर में भी बहुत दर्द रहता है, मैं गोली भी घनी खाती हूँ सिर के दर्द की, वो नहीं हटती, कि कोई बात नहीं है सिर का दर्द भी परमात्मा हटावेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा भक्ति कर, भक्ति कर, भक्ति में सब कुछ है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भैया वो दिन सो आज है मेरा तो सिर का दर्द भी गया और मेरी जो बीमारी थी लाइलाज थी डॉक्टरों ने मना कर दिया वो भी ठीक होगी। और भैया घर में भी कड़े काल का बसा रहता क्योंकि आदमी चिनाई का काम करे था और 5-6 बच्चे घर में, घर घर का बहुत बड़ा परिवार, तो गुजारा कम हुआ था, तो ये घर में तो ये गुजारा कम रहे तो फिर तो लड़ाई होएगी घर में बहुत। जब तक हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया सारे परिवार ने, परमात्मा ने दाल रोटी बहुत ही मोलतर बहुत सुख शांति तो दे रखी। भैया भैया एक बात और बताऊंगी, मेरा पति भी बीड़ी पीता था, मैं भी बीड़ी पीती थी, हम दोनों ही बीड़ी पीते थे, हमारा परिवार बहुत मतलब हमारे तय नाराज रहता, तुमने घर में बदबू फैला रखी और छूटे नहीं थी, दवाई भी ले ली, किसी ने इंजेक्शन कहा वो भी लगवाए डॉक्टर पे, नहीं दोनों की बीड़ी छुटी, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाए पीछे हमारी दोनों की बीड़ी छूट गई, बहुत सारे लाभ दिए हमें संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे लिए परमात्मा है भैया, और जो भी नाम लेवेगा सबको लाभ मिलेंगे। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? भैया जहाँ भी तुम रहते हो, तुम्हारे नज़दीक जहाँ भी नाम दस स्थल हैं, जाकर वहाँ नाम ले लो और बस अपने दुख कटवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।